से। सो भाई ये कौन से कबूतर है? भाई ये कलमुही कबूतरी है और ये कलमुही। गोल्डन नारे, अच्छा कलमुही ये जोड़ कबूतरी है और गोल्डन गोल्डन नारे, नारे हैं। ये जोड़ लगाई है हमने। अच्छा आपने ये जोड़ लगाई हुई है। जी भाई, सो इसके बारे में कुछ बताइए कबूतरी के बारे में। कबूतरी उड़ी हुई कबूतरी है ये आपके इधर की? जी भाई, रिजल्टेड कबूतरी है। कितना घंटा रिजल्ट दिया भाई आपको ये? ये 5 से 6 घंटे उड़ी अच्छा है। भाई किधर की उड़ी हुई कबूतरी और नर भी कबूतर, उड़ा हुआ कबूतर है नर भाई। सो सबसे पहले हम लोग किसका शुरुआत करते हैं? का कलिए, तो भाई नर का शौक कराइए आयन भाई। अभी देखिए नर का शौक कराना है। और भाई के पास कबूतर तो वैसे बहुत हैं, बट जो कुछ कबूतर हैं लिमिटेड सिलेक्टेड कबूतर हैं भाई के, तो वही कबूतर दिखा रहे हैं भाई। तो हमेशा की तरह आप आँखों का शौक करिए। गोल्डन नरे भाई, नरे सी गाइस, इसकी आँखें, ये नर है, गोल्डन नर बोलते हैं आप जी इसको। भाई, सो भाई देख सकते हो। और ऐसे पैरों का शौक करा दीजिए भाई, लेफ्ट वाले पैरों का शौक कराइए। सो भाई देख सकते हैं सारे के जो ये कबूतर हैं ये ब्रीडिंग में डले हुए हैं और पैरों के अंदर वाइब्रेशन अलग ही दिख रही है आपको। और वाइब्रेशन अच्छी नस्ल की उड़ान की पहचान होती है अगर कबूतर के पैरों में वाइब्रेशन होता है तो। और पैरों के बाद देखिएगा इस पंजों का शौक कराते हैं, जामुनी पंजे कहेंगे इनको। देखिए आयन भाई काफ़ी अच्छे कबूतर रखे हैं कि नहीं आयन भाई? जी भाई, और दुम का भी बताइए आयन भाई। ये देखिए गाइस किस तरीके की बंद दुम है भाई के इधर कबूतरों की। ये देखिए सिर्फ दो दो उंगलियों की दुम है ये। ये देखिए कबूतर बार बार दुम ऊपर नीचे कर रहा है, बंद दुम ही कहूँगा मैं इसको। और आयन भाई आप इसकी कबूतर, आपने कबूतर दिखाया, हमें इसकी कबूतरी दिखाइए। जी भाई, ये देखिए आयन भाई ये कबूतरी दिखा रहे हैं। इस कबूतर भाई कौन से कबूतर से आपने ये कबूतरी लगा के रखी है? गोल्डन नर से भाई। अच्छा गोल्डन नर से जी। ये कौन? ये बाजरी कबूतरी लगा, गोल्डन नर से बाजरी कबूतरी लगा के रखी आयन भाई ने। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए इस कबूतरी की आँखें। और ये उड़ी हुई कबूतरी भाई किधर की? जी भाई, है ना, अच्छा टाइमिंग मारा है। और भाई ने इसको अभी क्या है कि भोपाल में सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम में हम क्या मैक्सिमम जो हमारे जो कबूतरबाज भाई लोग हैं वो ब्रीडिंग रखते हैं, क्योंकि बाज का डर रहता है काफ़ी कुछ कि शिकरा विकरा का डर रहता है, इसलिए उड़ान काफ़ी कम की जाती है। बट मैक्सिमम जो उड़ाने वाले कबूतर हैं वो उड़ाते भी है कबूतर और कुछ कुछ सेफ रखते हैं ताकि गर्मियों में उनके कबूतरों का शौक कराएँ। और हमारे आयन भाई गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं, गर्मियों में कबूतर उड़ाएंगे, इसलिए अभी कबूतरों की ब्रीड ले रहे हैं ताकि जो उनके पट्ठे हैं बच्चे हैं वो निकलें और उनकी जो उड़ान करें करवाएंगे भाई। और देख सकते हो भाई, और कमेंट में आयन भाई को बताएं कि आयन भाई के कबूतर किस तरीके के हैं ताकि आयन भाई को थोड़ा मोटिवेशन हो अपने अंदर। ये देख सकते हैं, सो आयन भाई ने जो जोड़ा लगाया है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आयन भाई आपने क्या देख के कबूतर के अंदर जोड़ा लगाया है? भाई हमारे उस्ताद ने तो बस ये बताया है चांद नुमा हड्डी होना चाहिए। हाँ, बंद जोड़ का कबूतर, बंद जोड़ की तय होना चाहिए, बंद जोड़ की तय होना चाहिए। इसके बारे में चलो भाई हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट भैया कहना है कि बंद हड्डी जोड़ का जोड़ लगाया इन्होंने, यही देख के हम जोड़ लगाते हैं। यही देख के आप जोड़ लगाते हो जी भाई। तो अच्छा ये आपके उस्ताद की टिप है आपके लिए। सो चलो भाई काफ़ी अच्छा, भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई कबूतर काफ़ी अच्छे टाइमिंग दें। और भाई का कहना है कि गर्मियों में जो टूर्नामेंट उड़ेगा भाई, हमारे आयन भाई काफ़ी छोटे हैं, मैं एक बार और फिर कहना चाहता हूँ। और भाई का हौसला देखो आप कि भाई उड़ाने के लिए इतना ज़्यादा वो हैं, उत्सुक हैं गर्मियों की बाजी, और उन्हीं के पट्टे उड़ाएंगे आयन भाई। सो भाई अगर जैसे कि हमारे भोपाल में टूर्नामेंट उड़ता है तो आयन भाई भी पार्टिसिपेट करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एडवांस में मैं आपको कांग्रेस बोलता हूँ ताकि आप पार्टिसिपेट करो। तो भाई आयन भाई ये कबूतर देखे जैसे कि आपने देखे भाई, इनका कहना जो है आपने वीडियो में सुन लिया है। सो चलो भाई जो भी मेरा सब्सक्राइबर देख रहा है अगर उनको कुछ नॉलेज हो तो भाई इनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे सकते हो आप कमेंट में ताकि इनको कुछ सीखने को मिले। बाकी जो इनके उस्ताद हैं वो तो सिखा ही रहे हैं, बाकी ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है तो आप इनको दे सकते हो।